everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study alcohols, phenols, and ether. This is topic number 11 from Maharashtra State Board Syllabus Standard. 12th so alcohols phenols and ether the topic to be covered in this chapter were this mini out of this we are done with introduction classification nomenclature and we are done with some part of alcohols and phenols that is the physical properties and preparations of phenols today we are going to deal with chemical properties of alcohols and phenols so we will See some of the chemical properties of alcohols and phenols today and some tomorrow. So, let us begin chemical properties of alcohols and phenols. So, the first is laboratory test of alcohols and phenols. How will you identify in lab the given sample is alcohol or phenol? So, the best test is litmus test. लिटमस टेस्ट तो आपको पता होगा कि दो टाइप ऑफ लिटमस पेपर होते हैं रेड लिटमस ब्लू लिटमस रेड लिटमस ब्लू हो जाता है बेसिक सोल्यूशन के लिए और ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिडिक सल्यूशन के लिए तो जो अल्कोहल वाला सल्यूशन रहेगा यदि आप अल्कोहल का सोल्यूशन एक्वस में या पानी में बनाओगे तो आपको अल्कोहल और फिनॉल को पानी में डिजोल्व करके एक सोल्यूशन बनाना है और उस सोल्यूशन को बीकर में लेना है और उसमें आपको लिटमस पेपर डीप करना है जब आप अल्कोहल में लिटमस पेपर डीप करोगे तब आपका ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा इन शॉर्ट लिटमस पेपर के कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा इसका मतलब अल्कोहल इज न्यूट्रल अल्कोहल कैसा होता है न्यूट्रल कोई भी लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता है ठीक है बट आप यदि फिनॉल का एक्वा सोल्यूशन बनाओगे तब आप नोटिस करोगे कि रेड लिटमस तो रेड है बट ब्लू लिटमस डिप करने के बाद रेड हो जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ब्लू लिटमस लिया है जिसको हमने फिनॉल वाले एक्वा सोल्यूशन में डिप किया और वो रेड हो गया है इसका मतलब है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर तो कंक्लूजन ये है कि एल्कोहल्स आर न्यूट्रल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन कैरेक्टर दोनों में ओ एच ग्रुप है बट फिनॉल में ओ एच ग्रुप अटैच होता है बेंजिन रिंग को और अल्कोहल में अटैच होता है अल्काइल ग्रुप को और इसके वजह से उस बेंजिन रिंग में अटैच ओ एच हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है और उसके वजह से वो फिनॉल्स हो जाते हैं एसिडिक तो आप देख सकते हो आपका ब्लू लिटमस रेड हो रहा है नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस जैसे मैंने आपको बताया है फिनॉल्स आर एसिडिक बट दे आर वीक एसिड ये कैसे प्रूफ हुआ फिनॉल्स वीक एसिड है ये इससे प्रूफ हुआ कि सीओ थ्री के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है बट एनएच के साथ रिएक्ट करता है अब इसमें डिफरेंस क्या है एनएच वीक बेस है ठीक है एनएच है कौन सा बेस वीक बेस एनओ है स्ट्रॉन्ग बेस तो जो वीक एसिड होते हैं वो वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते जो वीक एसिड है वो वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग बेस के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं तो फिनॉल वीक एसिड है इसके वजह से वो एन के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है और वो स्ट्रॉन्ग एस एसिड के साथ रिएक्ट करके बना रहा है फिनॉक्साइड आयन तो फिनॉल रिएक्ट्स विद एनोवेज टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड आयन क्योंकि वो वीक एसिड है इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और दे रहा है फिनॉक्साइड आयन और जो फिनॉक्साइड आयन है वो एक बार बन जाए तो उसमें आप यदि वापस एसिड डालो तो आपको मिल जाएगा फिनॉल बैक ठीक है तो फिनॉल को रिएक्ट करो एनोवेज के साथ बन गया फिनॉक्साइड आयन फिनॉक्साइड आयन को रिएक्ट करो एस के साथ वापस आपको आपका फिनॉल सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा तो ये रिएक्शन प्रूफ करता है कि फिनॉल इज अ वीक एसिड अब जैसे हमने पढ़ा है कि अल्कोहल्स डू नॉट हैव एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वा सल्यूशन क्योंकि लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर रहा था इसलिए हमें प्रूफ हो गया कि अल्कोहल्स को एसिडिक कैरेक्टर नहीं होते एक्वा सोल्यूशन में बट एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एनएसओ और एनओ क्योंकि वो एसिडिक होते ही नहीं है इसलिए वो कोई भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते भले वो वीक बेस हो जैसे एनएसओ या स्ट्रॉन्ग बेस जैसे एनओ किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे बट बट वेरी वीक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल इज सीन इन रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिनॉल बिल्कुल भी एसिडिक नहीं है लिटमस पेपर नहीं चेंज कर पाते हैं बट वो आप बोल सकते हो जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट एसिडिक है और ये कब प्रूफ हुआ जब वो रिएक्ट किए एक्टिव मेटल के साथ उनका रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ देख के ये प्रूफ हुआ कि फिन, अस, अल्कोहल में भी थोड़ा सा क्यों नहीं पर एसिडिक कैरेक्टर होता है वो लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज कर पाता वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता बट वो एक्टिव मेटल के साथ करता है सो व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद वेरी स्ट्रांग बेस अल्कली लाइक सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट टू गिव सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, विथ लिब्रेशन ऑफ H2 गैस तो so, जब भी, भी आप अल्कोहल को ट्रीट करोगे कोई भी स्ट्रांग मेटल जैसे सोडियम या पोटेशियम के साथ तो आपको मिलेगा सोडियम अल्कोक्साइड प्लस एस टू गैस और ये एस टू गैस जब लिब्रेट होता है ये कंफर्म करता है कि हमारे गिवन सैंपल में अल्कोहल है तो सपोज मैंने आपको एक सैंपल दिया और ये कहा कि प्रूफ करो कि इसमें अल्कोहल है तो पहले आप लिटमस टेस्ट करोगे लिटमस टेस्ट में आएगा न्यूट्रल मतलब वो फिक्स अल्कोहल है और फिनॉल नहीं है और जब आप उसको टेस्ट करोगे सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल के साथ तो एच टू गैस लिबरेट होगा और एच टू गैस लिबरेट होते ही, आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके गिवन सैंपल में क्या है अल्कोहल नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल्स सो फिनॉल्स रिएक्ट विद न्यूट्रल एफ सी एल थ्री दैट इज फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन टू गिव डीप कलर कैसे कलर पर्पल वॉयलेट या ग्रीन कलर ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड जो जब भी फिनॉल रिएक्ट होगा -E के साथ तो आपको बहुत ही डीप कलर पर्पल या फिर ग्रीन कलर का बहुत ही डीप कलर का मिलेगा फेरिक फिनोक्साइड एंड एस ठीक है तो ये बता देगा फेरिक फिनोक्साइड का प्रेजेंस या डीप कलरेशन का प्रेजेंस बता देगा कि आपके गिवन सैंपल में फिनॉल प्रेजेंट है उस रिएक्शन के लिए आपको लगेगा न्यूट्रल एफिस नेक्स्ट डिस्टिंग टेस्ट फॉर एल्कोहॉल्स तो आप प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए है लूकस टेस्ट लूकस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपको प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करके बता सकता है ठीक है तो ल्यूकस टेस्ट लेबोरेटरी में यूज किया जाता है पता लगाने के लिए कि मेरा गिवन एल्कोहल जो सैंपल मेरे पास है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है तो लूकस रिएजेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एस सी एल को जेड एन सी एल टू में डिजोल्व करके सो कॉन्सेंट्रेटेड एस सी एल प्लस जेड एन सी एल टू का सोल्यूशन मिक्स करोगे तो बन जाएगा लूकस रिएजेंट और उसमें आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आपका एल्कोहल कौन से नेचर का है ठीक है अब कोई भी अल्कोहल हो या प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी हो वो लूकस रिएजेंट में सॉल्युबल होता है कोई भी अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी या ट्रशरी रिएजेंट में सॉल्यूबल होता है और वो प्रोडक्ट ग्लूकोस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है अल्काइल क्लोराइड जो लूकस रिएजेंट में सॉल्यूबल नहीं होता तो आप इमेजिन कर सकते हो आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने लूकस रिएजेंट लिया है जो एक लिक्विड है आप उसमें अल्कोहल पोर कर रहे हो दोनों भी लिक्विड है तो अल्कोहल उसमें सोल्यूबल हो जाएगा पर थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ी सी टर्बिडिटी दिखने लगेगी क्यों क्योंकि वहाँ पर लूकस रिएजेंट के साथ एल्कोहल रिएक्ट करके बना रहा है अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड इस लूकस रिएजेंट में सॉल्यूबल नहीं है इसलिए वो बाहर प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है इसलिए द क्लियर सोल्यूशन बिकम्स टर्बिड वेन प्रोडक्ट स्टार्ट फॉर्मिंग जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होने लगेगा जैसे ही अल्कल क्लोराइड फॉर्म होने लगेगा आपका जो क्लियर सोल्यूशन है वो थोड़ा थोड़ा धुंधला होते जाएगा जैसे ही आपका अल्कल्कुलट बनता जाएगा उस वैसे ही जिस स्पीड में बनेगा उस स्पीड में वो आपका जो सल्यूशन है वो टर्बिट होता जाएगा तो टर्शरी अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं और इसलिए वो टर्बिडिटी बहुत जल्दी दिखाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल है जिसको मैंने ल्यूकस रिएजेंट में डिजॉल्व कर दिया है और वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा इसलिए वो ज़्यादा टर्ज टर्ज टर्बिडिटी दिखाएगा बहुत जल्दी टर्बिट हो जाएगा और डार्क टर्बिट हो जाएगा बट सेकेंडरी अल्कोहल धीरे धीरे रिएक्ट करेगा इसलिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा जैसे पाँच से दस मिनट आप कह सकते हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल जो लूकस रिएजेंट को टर्बिट बहुत धीरे करेगा और प्राइमरी अल्कोहल तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लूकस रिएजेंट को टर्बिट करेगा ही नहीं उसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा तो ये वाला जो टेस्ट है ये आपको बता देगा कि आपके गिवन सैम्पल प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है तो आप क्या करोगे बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब लोगे उसमें लूकस रिएजेंट लोगे और उसमें एक या दो ड्रॉप आपका अल्कोहल डालोगे यदि वो बहुत जल्दी टर्बिट हो जाए डालते ही तुरंत टर्बिट हो जाए तो वो टर्शरी अल्कोहल है डालने के पास दस मिनट बाद टर्बिट हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है और डालने के बाद हीट करने के बाद टर्बिट हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल है और इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे तो अल्कोहल रिएक्टिंग विद लूकस रिएजेंट गिव यू अल्काइल क्लोराइड विच मेक द सोल्यूशन टर्ट नेक्स्ट इज रिएशन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ओ एच बॉन्ड तो अल्कोहल और फिनॉल्स में होते हैं ओ एच बॉन्ड और उनके ब्रेक होने के वजह से कुछ रिएक्शंस होते हैं और उसे हमें अभी पढ़ना है पहला एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स ठीक है तो ऑफ़ कोर्स आपको पता है फिनॉल्स आर वीक एसिड बट एल्कोहल्स आर न्यूट्रल क्यू क्योंकि द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स टूवर्ड्स आयोनाइजेशन ऑफ ओ एच बॉन्ड इज वेरी डिफरेंट एल्कोहल और फिनॉल दोनों में ओ एच बॉन्ड है ठीक है तो दोनों में एसिडिटी एसिडिक कैरेक्टर होने चाहिए थे बट ये जो ओ एच बॉन्ड दोनों में प्रेजेंट है उनके आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी मतलब इनके ब्रेक होने की प्रॉपर्टी दोनों में बहुत ही अलग है क्यों क्योंकि उनका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये जो बन रहा है इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस तो जब ऑक्सीजन अपना प्रोटॉन जब आपका ऑक्सीजन प्रोटॉन डोनेट कर देगा उसके बाद जो ऑक्सीजन रह जाएगा वो रहेगा कॉन्जुगेट बेस ठीक है तो ये कॉन्जुगेट बेस का स्टेबलाइजेशन डिसाइड करेगा कि आपका गिवन कंपाउंड कितना एसिडिक हो सकता है यदि ये कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल है तो आपका गिवन कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है क्यों क्योंकि यदि ये हाइड्रोजन लूज कर दे जो भी आपका गिवन कंपाउंड है वो हाइड्रोजन ईजिली लूज कर दे और वो स्टेबल कॉन्चुगेट बेस बना ले तो ज़्यादा एसिडिक है यदि ये कॉन्चुगेट बेस जो बना रहा है वो स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा अपना एच प्लस बहुत जल्दी वापस ले लेगा ठीक है तो कॉन्चुगेट बेस बनाने के बाद वो कॉन्चुगेट बेस स्टेबल नहीं रहेगा तो वो एच प्लस को क्यों जाने देगा वो वापस उसको बुला लेगा और उसके वजह से एच प्लस डोनेट ही नहीं होगा उसके एसिडिक कैरेक्टर होंगे ही नहीं ठीक है तो बेसिकली आपको समझना है कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्यों मैटर करती है क्योंकि यदि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं रहेगा तो वो अपने एच को जाने जाने के बाद वापस बुला लेगा और उसके वजह से एसिडिटी कैरेक्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि एसिडिटी में मतलब डोनेशन ऑफ एच प्लस ठीक है तो बेसिकली आपको कॉन्जुगेट बेस पर कॉन्सेंट्रेट करना है जब आप एसिडिटी की बात कर रहे हो तो ये जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है अल्कोहल या फिनॉल में ठीक है तो अल्कोहल में जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो बहुत लेस स्टेबल है बहुत लेस स्टेबल होने की वजह से वो अपने एच प्लस को छोड़ता ही नहीं है और अपने एच प्लस को नहीं छोड़ेगा तो वो एसिडिक नहीं होगा इसलिए अल्कोहल्स आर वीक एसिड एक्चुअली दे आर नॉट एसिड एट ऑल क्योंकि वो बहुत वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है और अपने H प्लस को जाने नहीं देता अब ये वीक कॉन्जुगेट बेस क्यों बनाता है क्योंकि उसमें R ग्रुप है और आर ग्रुप आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दैट इज़ प्लस आई इफेक्ट दिखाता है और आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाने की वजह से अपने ओ नेगेटिव को डिस्टेबलाइज करता है क्योंकि ओ नेगेटिव के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है तो ओ नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज है और आर प्ले... आर उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके वजह से इसकी नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ रही है और वो डिस्टेबलाइज हो रहा है तो आप एज्यूम कर सकते हो आपके पास एक घड़ा है जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है और आप उसमें और पानी डाल रहे हो तो घड़े की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी वो पानी फ्लो होने लगेगा करेक्ट तो सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है ओ नेगेटिव का पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और आर प्लस आई इफेक्ट के वजह से और उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये ओ नेगेटिव डिस्टेबलाइज हो रहा है और डिस्टेबलाइज होने के वजह से वो अपने एच प्लस को जाने ही नहीं दे रहा है और इसलिए वो आर ओ एच के फॉर्म में ही रह रहा है और उसकी वजह से एल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक इन नेचर और वो पा, वो पानी में जल्दी आयोनाइज नहीं होते क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस इज़ नॉट स्टेबल वाई कॉन्जुगेट बेस इज़ नॉट स्टेबल ड्यू टू आर ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट बट अब हम बात करते हैं फिनॉल की तो फिनॉल में उसका कॉन्जुगेट बेस ऐसा क्या करता है जिसके वजह से उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है और वो एच प्लस को जाने दे रहा है क्योंकि उसके कॉन्जुगेट बेस में है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन उसका जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा H+ प्लस डोनेट करने के बाद वो ओ नेगेटिव दैट इज फिनऑक्साइड आयन वो बहुत स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस तो आप यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो तो रेजोनेंस क्या होता है जो यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है दैट इज चार्ज इज मूविंग टूवर्ड्स द रिंग और ये रेजोनेंस इफ़ेक्ट आपके फिनॉक्साइड आयन को हाईली स्टेबलाइज करती है और इसके वजह से फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से बहुत जल्दी बन जाता है और फिनॉल अपने H+ को जाने देता है क्योंकि खुद स्टेबल है उसको H+ की ज़रूरत नहीं है और उसे जाने देता है और उसके वजह से फिनॉल एसिडिक हो जाता है और वो एक्वस मीडियम में बहुत जल्दी ब्रेक होकर आयोनाइज हो जाता है और वो वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है तो आपको समझ हो गया होगा फिनॉल इज़ वीक एसिड क्योंकि एल्कोहाक्साइड आयन जो बन रहा है कॉन्जुकेट बेस वो स्टेबल नहीं है एंड फिनोल इज अ वीक एसिड एक्चुअली एल्कोहॉल इज न्यूट्रल नॉट वीक एसिड इट इज न्यूट्रल ड्यू टू अल्कोक्साइड आयन क्योंकि उसमें प्लस आर इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी नहीं है और फिनॉक्साइड इज वीक एसिड और वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है क्योंकि उसका जो कॉन्जुकेट बेस फिनॉक्साइड आयन है वो स्टेबल है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट तो अब एक क्वेश्चन है अर इज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ एंड जस्टिफाई तो आपके पास यहाँ पे कंपाउंड्स हैं आपको उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्टेंट में उन्हें अरेंज करना है और उसे जस्टिफाई करना है तो ऑफ कोर्स आपके जो अल्कोहल हैं सबसे वीक एसिड होंगे और आपके फिनॉल स्ट्रांग एसिड तो ये दो फिनॉल्स हैं तो ऑफ कोर्स ये दोनों आर थर्ड एंड फोर्थ इज मोर एसिडिक दैन फर्स्ट एंड सेकेंड ये तो फिक्स है क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो है फिनॉल्स और फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड तो थर्ड एंड फोर्थ आर मोर एसिडिक दैन योर फर्स्ट एंड सेकेंड बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड इज एल्कोहल एंड थर्ड एंड फोर्थ इज फिनॉल अब कॉम्पिटिशन है थर्ड और फोर्थ के बीच में करेक्ट तो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ये तो अभी हमने पढ़ा कि कोई भी कंपाउंड को एसिडिक होने के लिए उसका कॉन्जुकेट बेस कितना स्टेबल है वो हमें बताना पड़ेगा तो आप देख सकते हो इसमें इसे यदि आप ऐसे ब्रेक कर दो एक मिनट में ठीक से दिखाती हूँ यदि आप इसको ब्रेक कर दो सबको क्योंकि सब क्या करेंगे एसिडिक कैरेक्टर दिखाने के लिए H प्लस डोनेट करेंगे और ये सब पे बनेगा नेगेटिव चार्ज करेक्ट अब नेगेटिव चार्ज बनने के बाद कौनसा ज़्यादा एसिडिक है तो आप नोटिस करोगे क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको इसको अरेंज करना है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है तो ऑफकोर्स दोनों फिनॉल थर्ड और फोर्थ थर्ड और फोर्थ में ऑफकोर्स फोर्थ इज मोर एसिडिक फोर्थ क्यों ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि जो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा करेक्ट जो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा फोर्थ में वो अपने नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है माइनस आर इफेक्ट वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पूल करेगा ड्यू टू रेजोनेस ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट के वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन जो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है उसे अपनी तरफ जब पुल करेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि मैंने बताया है कि कॉन्जुगेट बेस मतलब ओ नेगेटिव जितना ज़्यादा स्टेबल उतना जल्दी वो एच प्लस को डोनेट कर पाएगा और उतना ज़्यादा वो एसिड स्ट्रांग रहेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही स्टेबल है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप उसे पूल कर रहा है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही नहीं बचता है ज़्यादा टाइम के लिए और इसलिए ऑक्सीजन वापस अपने एच प्लस को अपने पास नहीं बुला पाता है और इसके वजह से आपका एच प्लस जल्दी से जल्दी डोनेट हो जाता है और इसलिए फोर्थ वाला जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है ड्यू टू तो माइनस आर इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप फिफ्थ फोर्थ के बाद थर्ड वाला ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि थर्ड वाला है फिनॉल और फिनॉल में होता है फिनॉक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन की वजह से ऑफ कोर्स वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है नेक्स्ट रीजन ये है कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कोई भी मॉलिक्यूल का वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सिक्स तो जो ये पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन है उसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं सिक्स बट फिनॉक्साइड आयन में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं फाइव तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके पास है सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पैरानाइट्रोफिनोक्साइड आयन के पास और इसके वजह से वो वापस एसिडिक है तो दो रीज़न है एक है उसमें माइनस आर इफेक्ट और दूसरा है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है नंबर में इसके वजह से आपका ये वाला कंपाउंड फिनॉक्साइड आयन से ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा स्टेबल है ठीक है तो इसके वजह से फोर्थ सबसे ज़्यादा एसिडिक है फिर थर्ड अब ये दोनों में कॉम्पिटिशन है तो आप इसमें देख सकते हो जहाँ पे ओ नेगेटिव प्रेजेंट है उसको एक्चुअली एक ही कार्बन है जो इंडक्टिव इफेक्ट दे पा रहा है तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज प्लस आई इफेक्ट कम है एज कंपेयर टू यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या है ज़्यादा और इस वाले मॉलिक्यूल में प्लस आई इफेक्ट क्या है कम तो so, देख सकते हो यहाँ पे आप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम है जबकि यहाँ पे तीन तीन सी एच थ्री से डोनेट कर रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है तो आपको पता है प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ओ नेगेटिव पे नेगेटिव इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसे और ज्यादा नेगेटिव चार्ज देंगे और पहले से ही घड़ा भरा हुआ है और उसमें और ज़्यादा पानी डाल रहे हो तो ओवरफ्लो हो रहा है और डिस्टेबलाइज हो रहा है इसके वजह से आपका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर टू दिस इसलिए जल्दी ज़्यादा ईजिली हाइड्रोजन दे पाएगा एज कम्पेयर टू दिस इसके वजह से आप जब अरेंज करोगे तो फोर्थ इज मोर एसिडिक दे थर्ड दैन फर्स्ट एंड देन सेकेंड तो फोर्थ सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों है ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट एंड ड्यू टू सिक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर थर्ड थर्ड में सिर्फ आर इफेक्ट आप बोल सकते हो एंड फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर फर्स्ट ड्यू टू लेस प्लस आई इफेक्ट क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट लेस है और फिर सेकेंड क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो इस बेसिस पे आप इन्हें अरेंज कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स एक्सर्टेड बाय ओ सी एच थ्री एंड सी एल तो ओ सी एच थ्री एंड सी एल कौन से टाइप ऑफ इफेक्ट दिखाते हैं तो ओ सी एच थ्री एंड सी एल दोनों भी माइनस आई एंड प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए माइनस आई इफेक्ट और दोनों में लोन पेयर है जो रिंग में कॉन्जुगेट हो सकते हैं रेजोनेट हो सकते है इसलिए प्लस आर इफेक्ट तो आप समझ गए होंगे माइनस आई इसलिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑक्सीजन एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इसलिए वो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं और दोनों के पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास भी क्लोरीन के पास भी और उनके लोन पेयर रिंग में रेजोनेट हो सकते हैं इसलिए वो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं ठीक है ठीके? अब उसके बेसिस पे आपको अरेंज करना ये तीनों स्ट्रक्चर को ऑन विच मोर एसिडिक तो आप देखोगे लोरोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है एस कंपेयर टू फिनॉल एंड एज कंपेयर टू पैरा एनिसोल ठीक है ये आप बोल सकते हो एनिसोल टाइप ऑफ ग्रुप है फिनॉल को अटैच तो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला है जिसमें सी एल अटैच है जिसमें कुछ नहीं अटैच है और फिर ओ सी थ्री क्योंकि सी एल सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और कम प्लस आर इफेक्ट दिखाता है तो सी एल क्या दिखाता है ज्यादा माइनस आई इफेक्ट और कम प्लस आर इफेक्ट बट ओ सी थ्री ज्यादा दिखाता है प्लस आर इफेक्ट और कम माइनस आई इफेक्ट तो इसके वजह से क्या होता है जो ओ सी एच थ्री है उस वो अपना लोन पेयर इस रिंग में डोनेट करता है और इस रिंग में डोनेट करने की वजह से वो जो नेगेटिव चार्ज जो फॉर्म होगा इस पर जो ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो डिस्टेब्लाइज हो जाएगा क्योंकि प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो पहले से है हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद और वो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा बट इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है माइनस आई और प्लस आर कम दिखा रहा है तो क्या करेगा जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा उसको अपनी तरफ पूल करेगा और अपनी तरफ पूल करने के वजह से क्या हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा देर ऑक्सीजन पे नहीं रह पाएगा इसलिए वो हाइड्रोजन को वापस नहीं बुला पाएगा और इसलिए वो हाइड्रोजन ईजिली डोनेट कर देगा और फिनॉल तो आपको पता ही है नॉर्मल फिनॉक्साइड आयन दिखाएगा ना यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट ना माइनस आर इफेक्ट और ये फिनॉक्साइड स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस इसलिए ये तो स्टेबल ही है ठीक है पर इससे ज़्यादा एसिडिक ये है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में क्लोरीन पुल कर रहा है और ये सबसे ज़्यादा कम स्टेबल है क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी बढ़ा रहा है और इसलिए ये सबसे कम एसिडिक है तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन वाला फिर नॉर्मल वाला और फिर ओ सी वाला Next esterification reactions. So alcohols and phenols form ester by reaction with carboxylic acid, acid halides, and acid anhydrides. So alcohol or phenol. -Co. जब भी, भी आप कार्बोजेलिक एसिड मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच के साथ रिएक्ट करोगे या फिर एसिड हैलाइड्स इज डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करोगे या फिर एसिड इज सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रिएक्ट करोगे तब आपको मिलेगा ईस्टर तो बेसिकली आपको ये तीनों कंपाउंड्स को एल्कोहल या फिनॉल के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा तो आपको मिल जाता है ईस्टर तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वॉट इज ईस्टरिफिकेशन तो उसका आंसर है दरिया Reaction between alcohol or phenol with carboxylic acid to form ester is called esterification. So the reaction between alcohol or phenol with acid to form ester is called as esterification reaction. So I will repeat The reaction of alcohol or phenol with acid. टू फॉर्म ईस्टर इस कॉल एस स्टरिफिकेशन रिएक्शन तो यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो फिनॉल रिएक्ट होता है तो फिनॉल भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है ईस्टर तो ये दोनों रिएक्शन को आप क्या कहोगे इस्टरिफिकेशन अब याद रखना है एल्कोहल्स ऑफ फिनॉल रिएक्ट विद एसिड एंडहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट तो ये सब रिएक्शन में आपको एसिड एज अ कैटलिस्ट चाहिए तो आपको जब भी फिनॉल बनाना है कार्बोजेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके या एसिड एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके किसके साथ भी रिएक्ट करके आपको यदि अल्कोहल को स्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको एसिड एज अ कैटलिस रहना कंपल्सरी है एसिड एज अ कैटलिस एरो पे लिखना कंपलसरी है उसके बिना ये रिएक्शन नहीं होता ये याद रखना ये एसिड डालना भूलना नहीं तो अल्कोहल या फिनॉल आपके एसिड के साथ या एसिड एनहाइड्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा ईस्टर ठीक है तो बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है और बाकी ग्रुप्स को ज्वाइन करना है देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर निकालोगे और बाकी ग्रुप्स को ज्वाइन कर दोगे और इस केस में क्या करोगे आप ये वाले ग्रुप्स ज्वाइन करने वाले हो यहाँ से इसे ब्रेक करोगे एच OH एक में लगा दोगे और आर दूसरे में तो ये बन जाएगा आर ठीक है तो बेसिकली आपने क्या किया ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये आर के साथ ज्वाइन कर दिया और ओ OH एच को दूसरे वाले पार्ट में लगा दिया तो आपको मिल जाएगा इस्टर प्लस एसिड तो इस तरह से आप कर सकते हैं स्टरिफिकेशन रिएक्शन फिर अल्कोहल या फिनॉल को एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करके एस्टर बना सकते हो तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है एस बाहर जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो वाटर बाहर निकालोगे ठीक है जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो वाटर बाहर निकालोगे तो बच गया ईस्टर जब एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो एसिड को बाहर निकालोगे बच गया ईस्टर और जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आप एस को बाहर निकालोगे और बाकी बच जाएगा ईस्टर तो एसिड क्लोराइड के जब रिएक्ट करोगे तब चाहिए पीरियडिन ठीक है तो जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो अल्कोहल या फिनॉल को तब आपका कैटलिस्ट चाहिए एसिड जब एसिड एनहाइड्राइट के साथ कर रहे हो तभी तो भी कैटलिस्ट क्या चाहिए एसिड बट जब आप एसिड क्लोराइड के साथ कर रहे हो तब आपको चाहिए पेरीडीन ये याद रखना है ठीक है तो वापस मैं क्विकली बता देती हूँ तो एल्कोहल्स ऑफ फिनॉल एसिड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ, साथ रिएक्ट करके बनाते हैं ईस्टर बट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो आपको चाहिए एसिड और जब एसिड क्लोराइड का करेंगे तब तो, पीरियडिंग और इस तरह से आपको मिल जाएगा आपका इस्टर दैट इज इस्टरिफिकेशन रियाक्शन नेक्स्ट इज एसिटाइल डेरीवेटिव सो एसिटाइल डेरिवेटिव मतलब होता है ये वाला डेरीवेटिव तो so, जो भी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ जो भी ये ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एसिटाल ग्रुप तो ये एसिटॉल ग्रुप है तो जो भी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप आप अटैच करोगे तो उसे बोलोगे एसिटाल डेरिवेटिव तो ये वाले ग्रुप को कहते हैं एसिटाल ग्रुप और ये जिसमें भी प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एसिटाल डेरीवेटिव सो द एसिटाट इस्टर ऑफ एल्कोहल ऑफ फिनॉल इज कॉल्ड एज एसिटाल डेरीवेटिव ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल तो जब भी आप इस्टर बनाओगे जिसमें एसिटाल डेरीवेटिव प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे एसिटाल ऑफ ल्कोहल एंड फिनॉल तो जब भी आप एल्कोहल या फिनॉल को, कोई भी एसिड या फिर कोई भी एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड का कर रिएक्ट करोगे और जब आपके प्रोडक्ट में एसिटाल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे कहेंगे एसिटाल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल तो आप देख सकते हो ये वाला आपने एक ईस्टर बनाया है आपने एक फिनॉल को किया एसिड के साथ और यह वाला इस्टर बनाया है जिसमें एसिटॉल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए आप ये ईस्टर को कहोगे क्या एसिटाल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है एस्प्रीन तो एस्प्रीन आपने बहुत बार सुना होगा सिर दर्द की गोली होती है उसका नाम होता है इवन एसिटॉल सेलिसिक एसिड क्योंकि उसमें एसिटॉल ग्रुप प्रेजेंट है एसिड पे इसलिए एसिटाल सैलिसिलिक एसिड ठीक है और इसे कहते हैं आपका एसिटाल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल एंड फिनल तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आप अल्कोहल को या फिनॉल को एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करोगे ईस्टर बनाने के लिए तो आपको एसिड कैटलिस्ट कंपलसरी है इसलिए मैं यहाँ पे जब फिनॉल को रिएक्ट कर रही हूँ एसिड एनहाइड्राइड के साथ तो मैंने एसिड एज अ कैटलिस्ट लिया है और ये तीनों जब रिएक्ट होंगे तो आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा एसिड एज यूजल और बाकी जो आपका यहाँ पे ओ सी एच थ्री ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा और बन जाएगा एसप्रिन दैट इज एसिटॉल डेरिवेटिव ऑफ योर सेलिसलिक एसिड और ये हो गया एसिटॉल डेरेवेटिव तो एसिटॉल डेरीवेटिव कोई अलग चीज नहीं है वो सेम स्टरीफिकेशन रिएक्शन है बस उसमें एक एसिटॉल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए आपके ईस्टर में सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू If you have any doubt, any comment, any suggestion, you can do freely it on doubt 4 at gmail.com and even on the comment box given below. Share this video to more and more of your friends and please give me a thumbs up if you have liked this video and before departing a champion is defined not by their wins but by how they can recover when they fall so if you are a champion do not show how much you have been but show that the world especially you have to show that how you recover when you have fall so that's all for today thank you stay tuned